नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइट रमेश पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि YouTube पर जो ऊपर कुछ और दिखता है वीडियो में और अंदर कुछ और होता है, तो वो क्या होता है और वो क्यों लगाया जाता है वीडियो में। तो सब सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा और उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रहा है, वीडियो के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, जो वीडियो को ओपन करते हैं तो वीडियो के अंदर कुछ और निकलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो पे क्यों बनाया जाता है और इसको क्या बोलते हैं और कैसे लगाते हैं, तो वो सारे डिटेल आपको सभी इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो दोस्तों, ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं थंबनेल, और जो वीडियो के अंदर कैसे लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, तो वीडियो के अंदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको देख के लोग आकर्षित हो वीडियो ओपन करते हैं और ज़्यादा अपने व्यूज आते हैं, तो वो इसलिए अपने वीडियो पे ये चीज़ लगाते हैं, अपनी फ़ोटो वगैरह लगाते हैं एडिट करके, इसको बोलते हैं थंबनेल। तो हम बात करते हैं ये भी अपने वीडियो पर कैसे लगाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल कैसे लगाए। तो यूट्यूब थंबनेल लगाने के लिए यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर थंबनेल लगाने के लिए सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है और अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका वीडियो है वो नेक्स्ट कर देते हैं ऐसे। तो दोस्तों, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता तो आपका वीडियो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टाइटल वगैरह डाल लेता हूँ अपना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डाल दिया, तो ऑडियंस में आपको मेरी वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाया हुआ, तो नोट मेड फॉर किड पर क्लिक करना है। और आपको थंबनेल लगाने के लिए सिंपली ये फ़ोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है प्लस वाले पे, और यहाँ से अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो भी लगाना चाहती हो अपने ये थंबनेल पे। तो मैंने ये लगाना चाहता हूँ थंबनेल, क्रिएट किया मैंने ये थंबनेल पे, डिलीट कर दिया है मेरे को, और ये आपके वीडियो पर लग गया है थंबनेल। और सिंपली आपको यहाँ से अपलोड कर देना है वीडियो। तो मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है यहाँ से। तो दोस्तों, YouTube पर एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी थंबनेल को दोबारा चेंज नहीं कर सकते YouTube से। तो उसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है YT Studio। तो दोस्तों, YT Studio डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके YT Studio सर्च करना है, YT Studio। तो YT Studio आपके आ जाएगा, अपने मेरे फ़ोन में ये आ चुका है, मेरा अपडेट मांग रहा है ये। 16 MB का एप्लीकेशन है ये, आपको डाउनलोड कर लेना है, 100 मिलियन से प्लस डाउनलोड है इसके। तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो ऑलरेडी मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, वॉइस टू स्टूडियो ओपन कर चुका मैं। तो दोस्तों, दोबारा अगर आपको थंबनेल चेंज करना हो तो सिंपली आपको अपने वॉइस स्टूडियो आ जाना है, और वॉइस स्टूडियो में आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो क्लिक करने के बाद आपको ये पेंसिल वाले अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये कॉर्नर में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा पेंसिल वाला आइकन, इसमें जाके आप चेंज कर सकते हो। और अपनी वीडियो के अंदर से आप अपना थंबनेल लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, और दूसरा भी लगाना चाहते हो तो वहाँ से लगा के डन कर देना है, वो लग जाएगा आपका थंबनेल। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने वीडियो के ऊपर वाली फ़ोटो, यानी थंबनेल, जिसको हम यूट्यूब के भाषा में थंबनेल बोलते हैं, वो लगाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से शेयर कर देना अपने फ्रेंड पास, वो भी जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।